नमस्ते मित्रों, आज हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की तीसरी विधि के बारे में। दो विधियों के बारे में हमने बात की है, तो आज उसी सीरीज की तीसरी वीडियो पे हम बात करेंगे। पहली जो दो विधियां थी वो केवल श्वास के ऊपर थी, और जो तीसरी विधि है वो भी श्वास के ऊपर ही आधारित है। पीछे अरुणाचल पर्वत है तिरुवन्नामलाई में, और बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ये भी ध्यान के लिए। तो यदि आपका कभी समय लगे, चेन्नई से केवल 3 घंटे की दूरी पर स्थित ये जगह है, यहाँ पर आकर आप ध्यान कर सकते हैं। रमन महर्षि का यहाँ पर आश्रम है, तो यहाँ से ये वीडियो बना रहे हैं। तो तीसरी विधि के बारे में शिव बोलते हैं कि जब तुम श्वास लेते हो, श्वास लेते ही जैसे तुम्हारी श्वास अंदर जाती है नाभि तक, जो नाभि का केंद्र है वहाँ पर, उस केंद्र पर जब सांस पूरी तरह से अंदर हो जाती है और सांस बाहर जाने वाली होती है, जो वो केंद्र बिंदु आता है नाभि पर, केंद्र बिंदु जो आता है, तो पूरा जो ध्यान है उस केंद्र बिंदु पर लगाना है जब एनर्जी लेस हो जाता है सब कुछ। जो तीसरी विधि है वो ये बताती है कि जब एनर्जी लेस हो जाता है, यानी कि जब तुम पूरी श्वास अंदर ले चुके होते हो और श्वास बाहर जाने वाली होती है, उस समय पर किसी एनर्जी की तुम्हें ज़रूरत नहीं होती, किसी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती। तो उस समय पर तुम जो होते हो वो ही तुम्हारा असली स्वरूप है। तो आपको मित्रों ये समझना है कि जब सांस पूर्ण रूप से अंदर चली जाती है, नाभि का जो केंद्र है, आपकी जो नाभि है वहां पर, उस नाभि केंद्र पर जब सांस बाहर जाने वाली होती है वहां पर आपने ध्यान लगाना है, जो एनर्जी लेस, यानी कि जहां पर ऊर्जा नहीं रहती और बिना ऊर्जा के भी तुम जीवित रहते हो, उस केंद्र बिंदु पर आपने ध्यान लगाना है, जो तीसरी विधि है। मित्रों यदि आपने देखा होगा एक बच्चे की सांस को, एक बच्चा जब सांस लेता है तो वो पूरी तरह से सांस लेता है, वो छाती से सांस नहीं लेता। लेकिन जो आजकल जो युवा है और बहुत तरह से ये सोसाइटी है, वो हमें सिखा रही है कि तुम्हें अपनी छाती से सांस लेनी है, पेट से नहीं। तो हम बहुत सिकुड़े रहते हैं। अगर आपने देखा होगा ज़िंदगी में सभी लोग सिर्फ छाती से सांस लेते हैं, यहाँ तक सांस आती है और उसके बाद सांस का कुछ हमें पता ही नहीं है। तो जो सांस है दोस्तों, वो हमें पूर्ण रूप से अपने पेट तक लेकर जानी होती है, और बच्चा बिल्कुल उसे पेट तक लेकर जाता है, इसीलिए वो नेचुरली जीता है। जब भी उसे गुस्सा आता है वो खुलकर उसे व्यक्त करता है। लेकिन जब भी आप लोगों को गुस्सा आता है, आप उसको खुलकर व्यक्त नहीं कर सकते, खुलकर व्यक्त कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सांस भीतर तक जाती ही नहीं है, नाभि के अंदर तक। और नाभि के अंदर तक यदि वो जाएगी तो वो हमारे सेक्स सेंटर यानी कि मूलाधार चक्र को स्ट्राइक करेगी, और जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी तो हमारे शरीर में हलचल शुरू होगी। और इसी वजह से ये समाज, ये सब लोग सिखाते हैं कि तुम्हें जो सांस लेनी है वो छोटी सांस लेनी है। तो पहली बात जो ध्यान रखने लायक है कि श्वास को जितना हो सके लंबा करने की कोशिश करें, ताकि वो आपके नाभि केंद्र को टच कर सके। अगर वो नहीं भी कर रही है, जब वो नाभि केंद्र को टच करेगी तब आपको बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू होंगी, शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं शुरू होंगी। अभी तो आप खुद को स्वीकार ही नहीं करते हो, और सबसे बड़ी चीज़ है खुद को स्वीकार करना। आपके अंदर जो भी है, चाहे गुस्सा है, प्रेम है या फिर सेक्स है, कुछ भी है वो, उसको स्वीकार करना। तो जब आप नाभि तक सांस लेंगे तो बहुत सारी हलचल शुरू होंगी, और जब श्वास भीतर तक ले जाएंगे वहाँ पर नाभि केंद्र पर आपने उस ध्यान को लगाना है। जब वो कुछ होता नहीं वहाँ पर, किसी एनर्जी की आपको ज़रूरत नहीं होती, फिर भी आप जीवित होते हैं, एक स्पेस होता है, उस स्पेस पर आपने ध्यान को केंद्रित करना है। बहुत आसान से विधि है, जैसे पहली दो विधियाँ थी इसी तरह से तीसरी विधि है। तो शिव की जो विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर दरअसल शिव ने बात करी है, बहुत सारी विधियों की बात करी, 112 विधियों की बात करी, बहुत ही आसान विधियाँ हैं। हमें किसी बड़े इक्विपमेंट्स, बड़ी जगह ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप इन चीज़ों को करेंगे तो बहुत सारी संभावनाएँ हैं कि आपको इसके अनुभव भी होंगे।
तो धीरे धीरे आप इन विधियों को करते रहें, इन विधियों के बारे में हम बातचीत करते रहेंगे। यदि कोई प्रश्न और सुझाव आपके फिर भी रहते हैं तो आप कभी भी कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों को फ़ायदा होगा। धन्यवाद। नमस्ते।